मारते पर मैं उठता रहूंगा आखिरी सांस तक। फिल्म का दी एंड तब जब हीरो जीत जाए। इसकी बीमारी जी हाँ दोस्तों, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई और जिस मूवी का हम सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार था, उस मूवी को आज रिलीज कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड की मच अवेटेड मूवी एक विलन रिटर्न को धमाके के साथ इंडिया में रिलीज कर दिया गया और इस फिल्म ने अपने रिलीज के साथ ही वन ऑफ द टॉप फिल्म बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे मूवी एक विलन रिटर्न के मेकिंग की, कॉस्टिंग की और साथ ही साथ फर्स्ट डे ओपनिंग पे फिल्म ने कितना बिजनेस किया, कितनी कमाई की, ये सारा कुछ जानेंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक, ठीक है दोस्तों। चलिए बात करते हैं मूवीज़ के बारे में। तो दोस्तों, इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर मोहित सूरी के निर्देशन में बनने वाली एक रिवेंज ड्रामा फिल्म है एक विलन रिटर्न, जो 2014 की ब्लॉकबस्टर मूवी एक विलन का ही सीक्वल है। फिल्म के लीड रोल में जानक राम, अर्जुन कपूर, तारा सुपारिया और दिशा पाटनी भी नज़र आने वाली हैं। दोस्तों बता दें कि जब से इस मूवी का ट्रेलर आया ना, तभी से दर्शकों के बीच में इस मूवी का एक्साइटमेंट बना हुआ है और इस मूवी के गाने तो पहले से ब्लॉकबस्टर हो चुके हैं और यही वजह है कि जॉन अब्राहम और अर्जुन कपूर की एक विलेन रिटर्न अपनी रिलीज से पहले ही इंडियन बॉक्स ऑफिस से 3 करोड़ की शानदार एडवांस लेने में कामयाब रही। जी हाँ दोस्तों, ये एडवांस शाहरुख खान, अजय देवगन और सलमान खान जैसे सुपरस्टार के लास्ट फिल्मों के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से भी ज़्यादा है। बता दें दोस्तों कि इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में एक साथ लगभग 3000 स्क्रीन पर रिलीज़ किया गया है और जिसने आज सुबह से ही 20% की ऑक्युपेंसी लेने में कामयाब रही है, जो कि एक बहुत बेहतरीन ऑक्युपेंसी है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे अच्छी शुरुआत की है। दोस्तों क्रिटिक्स का मिक्स रिव्यू और ऑडियंस के अच्छे रिस्पॉन्स की वजह से ये फिल्म हमें देखने के लिए मजबूर करती है। जॉन अब्राहम और अर्जुन कपूर के एक्शन सीन इस मूवी में जान डालते हैं, तो साथ ही साथ दिशा पाटनी और तारा सुपारिया के सस्पेंस भरे किरदार इस फिल्म को और भी ज़्यादा रोमांचक बनाते हैं। दोस्तों अगर बात करें इस मूवी के बिजनेस की, तो इस मूवी के फर्स्ट डे कलेक्शन की तो लगभग 20% ऑक्युपेंसी के साथ बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचाने वाली एक विलन रिटर्न की आफ्टरनून और इवनिंग शो की एडवांस ऑक्युपेंसी लगभग 18-20% की है, जिस वजह से एक विलन रिटर्न बॉक्स ऑफिस पर पहले ही दिन 7-8 करोड़ के आंकड़े को छूने वाली है, जो कि इस साल रिलीज होने वाली टॉप 10 मूवीज में से एक। और दोस्तों ये फिल्म का बजट लगभग 7 करोड़ है और वाकई ये फिल्म 7 करोड़ से ज़्यादा कमाने वाली है। ओवरसीज में भी इससे 2-3 करोड़ रुपये के कलेक्शन के आने की उम्मीद है। तो अगर हम बात करें दुनिया भर में इस फिल्म की कमाई की, तो ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन ही लगभग 10 करोड़ की कमाई करने वाली है, जो कि इस साल की वन ऑफ द टॉप ओपनर बन रही है। बताते चले कि जॉन के साथ अर्जुन के एक्शन सीन, तारा और दिशा के किरदार, मूवी के गाने, बैकग्राउंड म्यूजिक इस मूवी को इस साल का मोस्ट वॉचेबल मूवी बनाने वाले हैं। तो दोस्तों जाइए थिएटर में, मूवीज़ को देखिए, एंजॉय कीजिए। मूवी फुल इंटरटेनमेंट है, लव है, ड्रामा है, मर्डर मिस्ट्री है, थ्रिल है, सब कुछ है। और जाइए मूवी को देखिए, एंजॉय कीजिए और मुझे आकर कमेंट बॉक्स में बताइए कि मूवी कैसे लगी।